बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ बात करने वाले हैं जो भी छात्र हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट हैं, तो उनके जो उत्तर पुस्तिका है जिसने आपने कॉपी लिखी है तो वो तो पूरी तरीके से कॉपी चेक हो चुकी है। देखो उसका कह रहा है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हुआ पूरा, तो मतलब कि आपका जो कॉपी है वो चेक हो चुकी है, मूल्यांकन हो चुका है। और यहाँ बोला गया है कि 15 जून तक कह सकते हैं 15 जून तक यूपी बोर्ड की परीक्षा रिजल्ट आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ सकते हैं हम। तो यहाँ बोला गया है कि यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा में शामिल हुए छात्र हैं, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। और वहीं बात की जाए 15 जून तक, ठीक है, 15 जून तक किसी भी दिन बोर्ड रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो 15 जून तक मतलब 12 को भी कर सकता है, 13 को, 14, 15 कभी भी कर सकता है, ये बोला गया। ये सूत्रों के हवाले कह सकते हैं, जो बोर्ड से सूत्रों के हवाले एक खबर आई है। और उन्हें बोला गया है कि जो आपका हाई स्कूल इंटर की जो पुस्तक है उनका मूल्यांकन जो है वो 20 जून से पहले पूरा हो चुका है, मतलब कि 20 जून से पहले ही उसका मूल्यांकन कर दिया गया है हाई स्कूल इंटर वालों के लिए। और वहीं बात की जाए कि जो 12वीं के तीसरे चरण की जो प्रवर्तन परीक्षा थी, मतलब जो प्रैक्टिकल हो रहे थे, उसका मई के अंतिम तक, जो आपकी मई निकली है उसके अंतिम तक उनका प्रैक्टिकल चले हैं, ये बोला गया है। वही माध्यमिक परीक्षा बोर्ड है उनके अनुसार परिणाम जून के दूसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जून के सेकेंड वीक में, मतलब वो 7 से 14 जो तारीख होती है, मतलब कि 15 जून तक आपका पेपर रिजल्ट आ जाएगा, ये उन्होंने बोला गया है। यूपी बोर्ड की ओर से परिणाम जारी करने की तिथि ऐलान किया जा सकता है, तो जब भी होगा तो ऐलान कर दिया जाएगा कि कल बोर्ड आपकी परीक्षा, मतलब कह सकते हैं कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं paperhacker.in पर जाइए और हाई स्कूल का बटन मिलेगा वहाँ paperhacker.in पर जाने के बाद में, ठीक है, यहाँ ये सब कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा किस तरीके से आपको क्या करना होगा रिजल्ट। तो सबसे पहले आपको जाना होगा paperhacker.in पर, याद रखिए paperhacker.in आपकी इस तरीके से खुलेगी, ये देख लीजिए आप paperhacker.in जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इस तरीके से खुलेगी। आप नीचे जाएंगे, देखो ये दे रखा है, देखो paperhacker सरकारी नौकरी, ठीक है, लिटिल्स जॉब ऑनलाइन फॉर्म paperhacker 2022। आप यहाँ जाएंगे और नीचे आपको देख सकता है यहाँ देखा है हाई स्कूल और यहाँ फर्स्ट ईयर, यहाँ देखो इंटर। आप इंटर के छात्र तो इंटर वाले बटन पर टच करना है, हाई स्कूल के छात्र तो हाई स्कूल वाले बटन पर टच करना है। और यहाँ आने के बाद में यहाँ आपको एक रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ रिजल्ट चेक करें 2022 हाई स्कूल रिजल्ट 2022, उस पर आप करना है और अपना रिजल्ट देख पाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है। ये सबको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहां बोला गया है कि UPMSP, ठीक है, edu.in पर आसानी से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आपको मुकेश जो कुमार है, डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, उन्होंने बताया है कि 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तक का मूल्यांकन किया गया है और बोर्ड के सूत्रों के हवाले बताया गया कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने में करीब 1 सप्ताह का समय लग सकता है, संभावना है, और परिणाम जारी अंतिम कर दे रूप, मतलब कि आपको परिणाम 15 जून से पहले मिल जाएगा, ये सबसे बड़ी खबर है। और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सबसे पहले अपडेट्स हम आपको देते हैं। तो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड का परीक्षा है जो 2022 में हुई है वो 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी अपडेट आएगी, किस तरीके से चेक करेंगे रिजल्ट को, वो सब कुछ आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।